मेन जो मकसद है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करने का वो है जी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। इंस्टेड ऑफ अ सिंगल लार्ज मशीन बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एक मशीन है, मेरा कंप्यूटर है, उसकी प्रोसेसिंग पावर इतनी नहीं है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला लूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस को अटैच करके आपस में कनेक्ट करके उनकी प्रोसेसिंग, उनकी स्टोरेज, उन पे इंस्टॉल हुई एप्लीकेशंस को हम जो है वो यूज़ कर सकेंगे कि। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत है। एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिक्योरिटी डेफिनेटली, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में हम सिक्योरिटी जो है वो हमारे डाटा की होती है। फॉर एग्जांपल हम जो है वो एक साइड पे हमारा डाटा जो है वो पड़ा रहता है, उस साइड से हम जो है वो कॉपीज़ बना लेते हैं, वर्चुअल कॉपीज़ बना लेते हैं और हम शेयर कर देते हैं, तो हमारा जो ओरिजिनल डाटा होता है वो बिल्कुल सेफ पड़ा रहता है, उसमें कोई किस्म की ख़राबी नहीं पैदा होती। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस हमारी सिक्योर पड़ी रहती हैं और फ्लैट हम उसको कन्वर्ट करके, हम डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं ताकि जो है वो अगर एक जगह से कॉपी हमारी ख़राब भी हो तो वो दूसरी जगह से रिकवर की जा सके। फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेफिनेटली प्रोसेसिंग जब कंबाइन होगी तो हमारे पास प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आसानी से की जा सकती है, स्पीडली की जा सकती है। सिक्योरिटी थ्रू रेडंडेंसी, सिक्योरिटी से रेडंडेंसी मुराद है बार बार, यानी कि एक से ज़्यादा जगह पर हमारी जो है वो चीज़ें बड़ी होती हैं तो वो सिक्योर हैं, हमारे पास ख़राब होने के खतरा बहुत कम है। कोलैबोरेटिव प्रोसेसिंग, तमाम डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके काम करती हैं, तो दिस इज नॉट अदर एडवांटेज ऑफ कोलैबोरेटिव प्रोसेसिंग। नेटवर्क क्राइटेरिया, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। परफॉर्मेंस डेफिनेटली, टाइमलीनेस इज अ परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, एक्यूरेट डाटा शुड बी एक्यूरेट एंड डिलीवरी ऑफ डाटा इज मस्ट बी एकम्प्लिश्ड। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट रिलायबिलिटी इट कैन रेफर टू द डिलीवरी ऑफ द डाटा, और यू कैन से दैट इट कैन बी एक्यूरेट डिलीवरी ऑफ द डेटा टू द एंड यूजर। नेटवर्क क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस, नंबर ऑफ यूजर, जितने मर्जी यूजर आपके बढ़ते जाएंगे, चाहे वो यूजर हार्डवेयर हैं या सॉफ्टवेयर हैं, आपका डाटा, आपका सिस्टम जो है वो एक्यूरेटली परफॉर्म करना चाहिए, रिलायबली परफॉर्म करना चाहिए। आपके ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो जितनी चाहे मर्जी टाइप्स के हों, आपका जो नेटवर्क है उनको सपोर्ट करना चाहिए। बट रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी, मैं पहले कह चुका हूँ, रिकवरी टाइम, आर्डर फेलियर, उसके बाद कैटास्ट्रॉफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, रोबस्टनेस ऑफ नेटवर्क। आपका जो नेटवर्क है, एक्यूरेसी और डिलीवरी से मुराद है कि आपका डाटा जो है एक्यूरेटली आपके एंड यूजर तक पहुँच जाना चाहिए। उसके बाद रिकवरी टाइम, फेलियर, आफ्टर फेलियर, रिकवरी टाइम से मुराद आपका डाटा रिकवरी मुख्तलिफ जगह पे पड़ा होगा तो आप उसको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और वो आपका जो है वो कॉपी भी ज़ाया नहीं होती और आपका डाटा एक्यूरेट पहुँचता है। ये इसमें बात हुई है। बस सिक्योरिटी, वायरसेस, अनऑथराइज एक्सेस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, वायरसेस डेफिनेटली ये सबसे बड़ा ख़तरा हमारे डाटा को होता है। अनऑथराइज एक्सेस, आजकल कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स भी आ गए हैं जिनमें अनऑथराइज एक्सेस जैसा जो हमारा ख़तरा है वो बहुत कम हो गया है, लेकिन वायरसेस का ख़तरा जो है वो बहुत अभी भी अवेलेबल है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस फॉर डाटा रिकवर ड्यू टू डाटा मिसयूज, डाटा मिसयूज हो सकता है, उसके लिए हमें कुछ ऐसे तरीक़ेकार बनाने चाहिए कि हम सिर्फ उन लोगों को एक्सेस दें जिन लोगों का हमारे डाटा के साथ लिंक है। जिन लोगों का हमारे डाटा से लिंक नहीं है उन लोगों का उस डाटा को यूज़ करने की कोई प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेटवर्क एप्लीकेशन, डिफरेंट जगह पर नेटवर्क इस्तेमाल हो सकता है, मार्केटिंग एंड सेल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज में इस्तेमाल होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं, वो कैन हमें सबको ये पता है कि हमारे पास जो है वो जो भी कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो हर जगह पर आजकल इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्लियर एक बात है। समरी की, डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी,
हमने डिस्कस की हैं, वह नेटवर्क क्या होता है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में हमने बात की, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है इसके बारे में बात की, नेटवर्क एक अच्छे नेटवर्क का क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में अब बात की, उसके बाद नेटवर्क की कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो सकती हैं उसके बारे में हमने बात की। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ लेक्चर की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो काइंडली नेटवर्क एप्लीकेशन मज़ीद और ट्राई करें कि आप ढूंढें कि नेटवर्क की और कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हमारे इर्द गिर्द कहाँ कहाँ हो रही है, तो उसके बारे में आप कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह।